Hey everyone, welcome to a new video. This is Vidushi Rana. I hope you all are fine. So in today's video, I'm going to share with you guys the tutorial of headstand, and I'm going to show you what poses I do before I do headstand and how I practice it. So I hope you will enjoy this video and let's get started. So first we are going to do the warm-up, and warm-up mein hum log karenge cat and cow. Cat and cow is a very amazing exercise, and aap logo ko isme 10 to 15 repetitions karne hai cat and cow ke, and you can do 3 sets of cat and cow. It's very important kyunki cat and cow se aapki puri back warm up hoti hai aur ye aapke core ke liye bhi bahut acha hai. So you have to keep in mind ki aapka jo core hai wo tight hona chahiye, and when you are doing a cat pose you have to breathe out, aur jab aap cow pose kar rahe hain you have to breathe in. सो जब भी हम हेड स्टैंड की बात करते हैं तो यूजुअली लोगों को लगता है कि वो हेड से ही होता है, तो बेसिकली वो हेड से नहीं होता है. उसमें आपकी फोर आर्म का काफ़ी ज़्यादा रोल है, आपकी कोर का काफ़ी ज़्यादा रोल है, और वो रोल क्या है वो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊँगी. सबसे पहले जब आपका वार्म अप हो जाए कैट एंड काउ और आप परफेक्टली कर लें, उसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज पर आते हैं. तो जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जो है वैसे तो वो हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट अगर आपके फीट जो हैं वो मैट के साथ टच नहीं हो रहे हैं तो आप रेपिटेशंस भी कर सकते हो. डीप ब्रीथ इन करो, डीप ब्रीथ आउट करो, और आपके जो एल्बोज है वो इनवर्ड्स होने चाहिए, रोटेटेड, और आपको अपना बैक जो है वो स्ट्रेट रखना है. एंड देन यू हैव टू डू एटलीस्ट 20 to 30 रेपिटेशंस, एंड देन यू हैव टू रिलैक्स इन चाइल्ड्स पोज. इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो हेड स्टैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है प्लैंक. प्लैंक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी फोरआर्म को भी स्ट्रेंथन करेगा और हमारी कोर स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएगा और स्ट्रेंथन करेगा. तो ध्यान रखना है कि आपका जो प्लैंक है वो 1 मिनट तक एटलीस्ट आप कर पाने चाहिए, 3 सेट्स, उसके बाद ही यू विल बी प्रिपेयर टू डू हेड स्टैंड प्रॉपरली. आप और भी एक्सरसाइजेस ऐड कर सकते हो कोर स्ट्रेंथ और फोरआर्म स्ट्रेंथ की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर हेड स्टैंड, बट ध्यान रखना है प्लैंक जब आप कर रहे हो तो ऐसे नीचे नहीं जाना या ऐसे ऊपर नहीं होना चाहिए आपका बैक. आपका बैक जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए एकदम वन लाइन में, और करके आप चाइल्ड पोज में अगेन रिलैक्स कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं वॉल पे. आपकी सामने वॉल होनी चाहिए और आपने अपने शोल्डर्स, नेक को वार्म अप करना है प्रॉपरली, रोटेशंस करनी है ताकि आपके नेक और शोल्डर्स और आर्म्स प्रॉपरली वार्म्ड अप हों. अच्छे से पूरा वार्म अप करने के बाद आपकी बॉडी जब पूरी प्रिपेयर हो जाएगी पोजीशन में आने के लिए, उसके बाद अपने हाथों को आपने अपने हेड के क्राउन के लिए बंद करना है, और आपके हेड का जो क्राउन है वो आपने हाथों के अंदर रखना है, और आपके जो एल्बोज है वो शोल्डर विड्थ पे ओपन होनी चाहिए. तो पहले तो अपने मन से ये डर हटाना है कि आप हेड स्टैंड नहीं कर पाओगे, और नीज़ को उठाना है और नीचे लाना है. ये 10 रेपिटेशंस आपने करने हैं रोज़ एटलीस्ट 1 वीक तक. जब मैंने हेड स्टैंड की प्रैक्टिस शुरू की थी तो इट टुक मी एटलीस्ट 6 मंथ्स टू अचीव माई हेड स्टैंड प्रॉपरली. मैं अपनी हेड स्टैंड जर्नी की वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो. ये रेपिटेशंस करने के बाद आप चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर लो. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अगेन शोल्डर लेवल पे आप अपनी एल्बोज ओपन करके अपने हेड के क्राउन को नीचे रख के थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करनी है. आपने नीज उठा के आगे आने की कोशिश करनी है. जब इनिशियली हम करते हैं तो इसमें भी बहुत डर लगता है. आगे आके जब आप जंप करोगे तो पीछे वॉल की तरफ आपने टच करने की कोशिश करनी है अपने फुट से. तो जब आप वॉल को टच करोगे तो आपका डर थोड़ा चला जाएगा. वॉल का होना इसलिए ज़रूरी है. धीरे धीरे वापस आना है. अभी नेक्स्ट स्टेप में हम पूरी लेग को ऊपर वॉल के साथ टच कर लेंगे. आप चाहो तो थोड़ा सा क्लोज आ सकते हो वॉल के, उससे आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा. बट अगर आपने कोर स्ट्रेंथ अच्छे से की होगी तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
अगर आपका कोर स्ट्रेंथनिंग अच्छा होगा तो आप इजीली वॉल का के थोड़ा आगे रह सकते हो, आराम से धीरे धीरे वापस आके फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपकी कोर वीक है तो बिल्कुल वॉल के साथ टच होके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऊपर आना है और फिर लेग्स को स्ट्रेट करना है। तो जब आप लेग्स को स्ट्रेट करते हो तो आपकी कोर एकदम टाइट होनी चाहिए, कोर को ढीला नहीं छोड़ना है और फिर धीरे धीरे वापस आना है। जब आप ऊपर जाते हो तो आपके सर से आपका जोर नहीं लगना चाहिए, आपका जोर फोरआर्म से लगना चाहिए। अब वॉल के थोड़ा सा दूर आके प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सेम टेक्निक है, क्राउन को नीचे रखना है, थोड़ा सा पास आना है, जंप करना है और ऊपर जाना है। अगर डर लगे तो वॉल के साथ टच कर लो और फिर एक लेग आगे कर लो और फिर दूसरी लेग को आगे करो। धीरे धीरे जब आपका डर ख़त्म हो जाएगा तो आप दोनों लेग्स को आगे कर पाओगे। ध्यान रखना है कि जोर आपका सर पे ना पड़े, फोरआर्म से जोर लगे और कोर से आपका जोर लगे, और अपनी बॉडी को ऊपर पुश करने की कोशिश करनी है फोरआर्म से और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाना है एंड रिलैक्स करना है चाइल्ड पोज में। जब यूजुअली हेड स्टैंड करते हैं हम तो डर बहुत लगता है स्टार्टिंग में, तो जब मैं करती थी तो अपने आप को अगर आप कॉन्फिडेंस दिलाओगे दैट यू कैन डू इट, इट्स ओके, यू विल नॉट फॉल, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हेड स्टैंड प्रॉपरली होने के। मैंने तो यही टेक्निक अपनाई थी और मेरा हेड स्टैंड इतना स्ट्रॉन्ग इसी टेक्निक की वजह से हुआ। फिर धीरे धीरे आप लोग अपना हेड स्टैंड जो है वो वॉल के पास रह के कर सकते हो, पर अपने लेग को थोड़ा आगे करने की कोशिश कर लेना और कोर को टाइट रख के अगेन डीप ब्रीथ करके और फोरआर्म्स से जोर लगा के आप कर सकते हो। जब भी वापस आना है तो कोर की ही मदद से आना है और इजीली और स्लोली आना है और रिलैक्स करना है चाइल्ड पोज में हमेशा। अगर आप अभी अभी हेड स्टैंड करना स्टार्ट कर रहे हो तो एक दिन में तो होगा नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली, और डेली प्रैक्टिस करने के बाद जब आप एक दो महीने हेड स्टैंड की प्रैक्टिस डेली करोगे तो आप वॉल के आगे आके आराम से कॉन्फिडेंस से अपना हेड स्टैंड कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं होता तो वॉल के साथ टच करो और एक एक लेग आगे लाओ और धीरे 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 आप दोनों लेग्स को आगे ला सकते हो। तो बेसिकली आप रेपिटेशंस भी कर सकते हो इसके 20-30, और फिर जब आपको लगे तो आप एक लेग से पुश करके फिर आगे आके फिर होल्ड कर सकते हो 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स। जब आप 10-20 सेकंड्स के बीच में होल्ड कर लोगे तो आप वॉल को छोड़ दो। ये आखिरी स्टेप रह गया है हेड स्टैंड का, जिसमें हम वॉल के बिल्कुल आगे रह के वॉल बस हमारे माइंड के लिए है कि हम गिरेंगे नहीं, फॉर द सपोर्ट। अदरवाइज वॉल के बिल्कुल आगे रह के आपने हेड स्टैंड प्रैक्टिस करनी है। सेम टेक्निक है, क्राउन को नीचे रखना है, कोर टाइट रखनी है और ऊपर जाना है, कॉन्फिडेंस से जाना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, नेक पे जोर नहीं आने देना है, फोरआर्म से जोर लगाना है और मन को शांत करके एकदम ऊपर जाना है, जितनी देर भी होल्ड हो पाए फिर आराम से नीचे। जब ये हो जाए तो खुली स्पेस में वॉल को छोड़ के सेम यही टेक्निक लगा के आप हेडस्टैंड प्रैक्टिस करो, क्योंकि वॉल का डर हटाना मन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ ही वॉल के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप विदाउट वॉल कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। कोशिश करनी है कि आपके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहें, ऊपर की तरफ आप अपनी बॉडी को पुश करो और 10-20 सेकंड्स होल्ड करो और फिर आराम से नीचे आओ। ज़रूरी नहीं है लेग स्ट्रेट करके आना है, आप बेंड करके भी आ सकते हो। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो।
So this was it for today's video. I hope you enjoyed this video and you learned how you can make your headstand stronger and how you have to practice it. It almost took me almost six months to practice my headstand and to master it. So practice with patience, don't be in a hurry, be consistent, and you will definitely achieve your headstand. And this was it for today's video. Also, if you want to watch my headstand journey video, the link is in the description box below, and the video of the core workout, which is very important for your headstand, because you need to have a stronger core if you want to master your headstand. That video's link is also in the description box. You can check that out. And if you like my videos, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And let me know in the comment section below what kind of more videos would you like to see. You can also follow me on Instagram. I'll put the link in the description box below. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Until then, bye-bye.